बिरसिंहपुर पाली के एमबीबीबी कॉलोनी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं का मन मोह लिया। इस दौरान कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि वीके केतवार द्वारा सरस्वती जी के चित्रपट पर फूल अर्पित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अभियंता वीके केतवार ने भी अपनी कविता दर्शकों तक पहुंचाई। कवि सम्मेलन को सुनने के लिए बिरसिंहपुर पाली एमपीबीबी कॉलोनी के अधिकारी कर्मचारी एवं आसपास के लोग उपस्थित रहे। नजदीकियों से अक्सर ये तुम्हारी नजदीकियों से अक्सर उलझ जाती है मेरी सांसें सीने में, भैया कि तुम्हारी नजदीकियों से अक्सर उलझ जाती है मेरी सांसें सीने में। कमबख्त तब होता है एहसास तुम्हें भूलने की झूठी कसम खाई थी हमने कि हर शाम एक ख्वाब नहीं, कि हर शाम एक ख्वाब नहीं, कई ख्वाब देखता हूं जाम लिए उसके साथ। हर शाम एक ख्वाब नहीं, कई ख्वाब देख। गौरतलब है कि हिंदी प्रेमी पूरी दुनिया में हिंदी कवि सम्मेलन आयोजित करवाते हैं। विश्व का कोई भी भाग आज कवि सम्मेलनों से अछूता नहीं है। एकदम अभूतपूर्व मुझको अनुभव हुआ, इतना अपनत्व बहुत कम जगहों पे मिलता है। जिन 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 लोगों से मिला, चाहे संगम त्रिपाठी हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे यहाँ के खुद सर कटवार सर हो, मैं कह सकता हूँ कि बड़े ही अपनत्व और बहुत ही स्नेहमयी इन्होंने दृष्टि मुझ पर डाली। मैं इन सब के प्रति आभार व्यक्त करता। कवि सम्मेलन क्या था कि मतलब कई वर्षों से हम लोग करवाते रह रहे थे, लेकिन दो तीन विगत वर्षों से नहीं हो पा रहा था। उसी कारण वीके केतवार साहब हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं, उनसे हम लोग तारतम्य में बात किए, कवि सम्मेलन के बारे में बात की। उन्होंने बोला जो भी होगा हम मतलब हर तरह से सहयोग करेंगे, और सहयोग उनका मतलब जैसा चाहिए समय से लेकर समय तक था, अंतिम तक था। और मतलब अपन लोग उनके आभारी हैं। और कब सम्मेलन कवि लोगों को विलुप्त तो हो रहे थे, कब सम्मेलन हम लोग इसलिए कराए कि मतलब जागरूक पब्लिक में जागरूकता हो, और पब्लिक मतलब सोचे कि कवि सम्मेलन होता भी है। भारत के बाद सबसे अधिक कवि सम्मेलन आयोजित करवाने वाले देशों में अमेरिका, दुबई, मॉस्को, सिंगापुर, ब्रिटेन इत्यादि शामिल है। इनमें से अधिकतर कवि सम्मेलनों में भारत के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया जाता है। बिरसिंहपुर पाली से खबरबार न्यूज के लिए शेख सरताज की रिपोर्ट।